हरी स्वामी कथा इत्यस्य अधुना द्वितीय वर्ग भवति प्रार्थना गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरो मतिरस्ति गुरो मम पाहि गुरो so we have seen till इल्ल डस्लाइड वेर वी सॉल्ड दैट फाद जहाँ पे हमने देखा कि पिता और वो लड़की के जो पिता है वो और भाई दोनों ने भी uh, दो वर है जिनको सामने लाया है और उनको वचन दिया है कि सात दिन के बाद उसकी शादी बहन की शादी आ आपके साथ करूंगा ऐसे पिता ने भी वचन दिया है और भाई ने भी वचन दिया है यहाँ तक हमने देखा था तो अभी इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं और ये जो दोनों ने वचन दिया हुआ है वो अपनी माता को अभी तक बताया भी नहीं है माता के सामने ये बातें नहीं हुई है तो आगे क्या होता है हम देखते हैं। तदा एव च तज्जननी तदा एव च तज्जननि तृतीयेन एकेन सुतां याचिता तामेव प्रसिद्धां तत्प्रतिज्ञाम् आश्राव्य प्रतिज्ञा उद्दिष्टेषु अहम् अस्मि ज्ञानी इति तेन उक्ता तदीय अतीतानां अनागतानाम वस्तुनाम विवेचकं ज्ञानं विलोक्य सप्तमे एव स्वूता प्रतिज्ञा प्रतिजज्ञे तदा एव मतलब उसी समय जब ये दोनों एक एक वर अलग अलग ढूंढ रहे थे किसी को वचन दे रहे थे तभी उसी समय तत्जननी उसकी माता तृतीय न एक न और तीसरे किसी ने सुताम याचिता जब उसको अपनी बेटी के लिए हाथ मांगा गया तब तामे व प्रसिद्धांत वो जो प्रसिद्ध मतलब पहले बताई गई हुई थी ऐसी प्रतिज्ञा आश्राव्य प्रतिज्ञा सुनाकर आश्राव्य मतलब सुनाकर प्रतिज्ञा अस्मि तो फिर उसने क्या बताया जिसने हाथ मांगा था वो क्या बोल रहा है प्रतिज्ञा उद्धिष्ट, उस उद्दिष्टेशु मतलब प्रतिज्ञाओं में जो बताया गया है उद्दिष्टेशु मतलब जो निर्दिष्ट किया गया है उसमें से मतलब ज्ञानी विज्ञानी और शूर इन तीनों में से अस्मित ज्ञानी अहम अस्मित ज्ञानी मतलब मैं ज्ञानी हूं इतने तेना ऐसे उसने बताया तदीय फिर उसका क्या है विशेष ज्ञानी किसमें ज्ञान है उसका तदीयम उसका अतीता नाम अनागता नाम अतीत मतलब जो घटनाएं घट गट चुकी है उनके बारे में अनागताना, मतलब जो आगे आने वाली है, ऐसी घटनाओं के बारे में वस्तु नाम मतलब ऐसी घटनाएं या फिर ऐसी कोई चीज है जिसका विवेचकम ज्ञानम विलोक्य उसका उसके पास विस्तीर्ण ध्यान देखकर मतलब उसको मालूम है आगे क्या घटने वा घटने वाला है या फिर पीछे क्या घटा हुआ था यह सब वो जान सकता है वो देखकर विलोक्य मतलब देखकर तस्मय उसे स्वसुताम दातुम उसकी खुद की बेटी देने के लिए प्रतिज्ञा अकरो माता ने प्रतिज्ञा कर ली सप्तमे अहनी एव और सातवें ही दिन विवाह प्रति जदने और उसने विवाह भी तय कर लिया मतलब तीनों ने भी अलग अलग वर ढूंढे एक ने शूर ढूंढा एक ने ज्ञानी ढूंढा और एक ने विज्ञानी सो ऐसे अलग अलग वर ढूंढ लिए और तीनों ने भी सातवें दिन ही उनको विवाह के लिए बुलाया तृतीय न तीसरे ने याचिता मांग लिया आश्राव्य सुनाकर अतीता नाम मतलब गुजरे हुए अनागता नाम आने वाले विवेचकम मतलब विशेष ज्ञान स्वसुताम की बेटी दातुम देने के लिए देने हेतु प्रतिजद ने वचन दिया यस जी। अब, तदा एव,

प्रतिज्ञ उद्दिष्टे उद्दिष्टेव उद्दिष्टेव अहम अस्मि प्रतिज्ञा उद्दिष्टेषु अहम् अस्मि अस्मि उद्दिष्टेषु अहम अस्मि उत्तमं ज्ञानीति ज्ञानी ज्ञानं इति ज्ञानी इति ज्ञानी इति ेन उक्ता ह् mm. तदियम mm. अतीतानां अनागतानां ह् mm. वस्तुनां विलोक्य तस्मै स्वसुतां दातुं प्रतिज्ञां अकरोत् ह् mm.

बहुत कुछ। what, what की, प्रतिद्न्या प्रतिद्न्या की। जी आप व्याकरण व्याकरण कहना चाहेंगे में तकलीफ है थोड़ी ओके ठीक <laughs> धन्यवाद बहुत उत्तम धन्यवाद धन्यवाद जयराम जी बोलिए नमस्ते नमस्ते

अस्तु आश्रुत्य विश्रुत्य इति भवति अस्तु तत्र आश्राव्य इति अस्ति तत्र निजन्तले च्राव श्रावयति इति लट् लकार अस्ति अस्तु अस्तु तो, तर्हि तत्र अस्मि इति किमस्ति अस्मि असुधातोह लट् लटकारे उत्तम पुरुष एकवचन उत्तमम्

उत्तमं प्रथमपुरुषे एकवत् प्रथमपुरुषे उत्तमम् अस्तु धन्यवादः महोदय तदा एव तृतीयेन एकेन आश्रव्य ल्यवन्तव्य तृतीयेन एकेन प्रतिज्ञा उद्दिष्टेषु अहम् अस्मि तदीयम् अतीतानाम् अनागतानां वस्तूनां वस्तु इति नपुंसकलिंग नाम अस्ति तस्य षष्ठी बहुवचनम् अकरोत् कुरु इति लंग लकारे प्रथम पुरुषे बहुवचनम् एक एकवचनम् खलु बहुवचनम् तु नास्ति क्षम्यताम् एकवचनम् भवेत तत्र टाइपो अस्ति एकवचनम् भवितव्यम् प्रतिजन्ये प्रतिज्ञा योगज्ञ सॉरी क्षम्यताम् प्रति उपसर्ग पूर्वक ज्ञाधातोः लिट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनम् अस्तु अग्रे पठामः अधुना अग्रे किं भवति इति पश्यामः परेद्युः प्रतिनिवृत्तः हरिस्वामी आत्मनः कन्यादाननिश्चयं भार्यायै पुत्राय च अकथयत् तौ अपि स्वकृतं तस्मै पृथक् पृथक् अभ्रूताम् वरत्रय वरत्रयनिमन्त्रणात् आकुलः संवृत्तः सः गृहपतिः अथ उद्वाहदिवसे हरिस्वामी गृहं ज्ञानी विज्ञानी शूर शूराः त्रयः अपि वराः समागमन् अस्तु किं लिखितमस्ति परेद्युः मत्लब् दूसरे दिन अग्ले दिन प्रतिनिवृत्तः प्रतिनिवृत्त मतलब जो वापस आया हुआ है वह हरिस्वामी जो हरिस्वामी है वो आत्मन खुद के कन्यादान निश्चय कन्यादान करने का जो निश्चय उसने किया था कन्यादानं कन्यादानं। कन्यादानं। कन्यादानं निश्चयं। मतलब निश्चयं। कन्या दानम कन्यादान कन्या यहाँ दानम कन्यादानम मतलब कन्या का दान कन्यादान से निश्चय कन्यादान का निश्चय किसे कहा अकथयत मतलब बता दिया कथन किया किसे कथन किया यही अपनी पत्री पत्नी को और पुत्र को क्या बताया कन्यादान का निश्चय जो निर्णय उसने लिया है वह बता दिया तो अभी मतलब वे दोनों भी स्वकृतम तस्मी पृथक पृथक अघ्रुताम दोनों ने भी जो खुद का किया हुआ था मतलब तय किया हुआ था तस्मई मतलब उसे पृथक पृथक अलग, अलग अलग बताया उसे क्या किया अलग अलग, अलग बता दिया तो अपि स्वकृतम तस्मय पृथक पृथक अभ्रता वरत्रय त्रय निमंत्रणा आकुल अभी तीन लोगों को यहाँ बुला दिया है तो इनको तीनों को भी तीनों ही जब आ जाएंगे तो क्या करेंगे ऐसा सोचकर वह जो गृहपति था वो आकुल मतलब चिंतित हो गया संवृत्त मतलब तो चिंतन करने लगा चिंता करने लगा ऐसा इधर अर्थ है अथ उद्वाह दिवसे मतलब जब विवाह हो रहा था उस दिन उद्वाह इसी का अर्थ है विवाह विवाह दिवसे मतलब विवाह से दिवसे उद्वाहस्य दिवसे उद्वाहस्य दिने हरिस्वामी गृह हरिस्वामी के घर पे ज्ञानी विज्ञानी और शूर <coughs> ज्ञानी च विज्ञानी चूर च तीनों भी त्रय अपि तीनों भी वराहा ये जो तीन वर थे एक साथ वहां पहुंच गए समागमन आ गए परेद्यु दूसरे दिन आत्मन खुद की भारई पत्नी को स्वकृतम खुद ने किया हुआ कुछ काम पृथक अलग अभ्रूताम बोला कहा आकल चिंतित संवृत्त मतलब हुआ दुवाहह मतलब विवाह ठीक है अभी उसका व्याकरण देखते हैं यस मानसी संधि बोलो यस यस महोदय आ महोदय कन्या ताव अपि तौ अपि तौ अपि व्रत त्रय निर निमंत्रणात आकुल हा mm. अथोत अथो अथो अथोत दिव दिवा अथोत दिवसे अथा उद्वाह दिवसे अथा उद्वाह दिवसे न्यानी विज्ञानी शूराहा त्रया हा अपि समा आगमन समागमन इति क्रियापदमेव सम् इति उपसर्गः अस्ति तस्य सन्धिविच्छेदः न करणीयः अस्तु महोदय क्षम्यता हा अस्तु तत्र च कथयत् इत्यत्र किमस्ति च अख च अकथ च अकथयत् उत्तमम् अधुना अकथयत् इति किमस्ति अकथ यत् महोदय लङ्ग्लका कथ धातु तुरादी गणिया आम आम तस्माई, तस्माई इत्ति, आ महोदय कथा दातु प्रथम पुरुष का वचन लकारे प्रथम पुरुष में एक वचनम् उत्तमम् तस्मयि तस्मयि इति इत्यत्र का विभक्ति महोदय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति एक वचनम् तद् शब्दा त तद पुलिंगा पुलिंगम् तद् इत्यस्य पुल्लिंगे चतुर्थी एक वचनम् उत्तमम् आमा

अथ उद्वाह दिवसे त्रयः त्रि इति इकारान्तसङ्ख्यावाचकम् अस्ति तस्य नित्यबहुवचनम् इति तु अस्ति एव पुल्लिङ्गे प्रथमा बहुवचनम् इति त्रयः इत्यस्य समागमन् सम् उपसर्ग आ उपसर्ग गम् धातोः लकारः अस्ति यदि लकारः अस्ति तर्हि समागच्छन् इति भवति परन्तु गच्छन् इति गच्छ इति न दृश्यते इति कृत्वा तत्र न इति तु अन्ते अस्ति लकारः एव भवेत् अस्तु अग्रे पश्यामः चित्रम् एतत् तत्कालम् एव सा सोमप्रभा क्व अपि अतर्कितं गता अतर्कितं गता विचित्य अपि न अलभ्यत हरिस्वामी ससम्भ्रमं ज्ञानिनम् अब्रवीत् इदानीं ब्रूहि क्व आस्ते सा मद्दुहिता तद् आकर्ण्य अवादि ज्ञानी धूमशिखः नाम राक्षसः तां हृत्वा विन्धाटवीम् नयती स्म अभी उसने क्या कहा है देखिए चित्रम चित्र ये बहुत अद्भुत है कि तत्कालम एव उसी समय पर सा।, सा मतलब कौन सोम सोम प्रभा हम लोग सोम प्रभा बहुत सुंदर है नाम जैसी है यथार्थ है लेकिन सोम प्रभा इस शब्द का अर्थ क्या है सोम मतलब चंद्र प्रभा मतलब कांति मतलब चंद्र जैसी जिसकी कांति है उसका नाम सोम प्रभा है जैसे हम चंद्रकांता कह सकते हैं वही अर्थ सोम प्रभा में भी है सो सा सोम इधर तो जहां मालूम नहीं है ऐसी जगह पे अतर्कितम मतलब ढूंढ के भी नहीं मिल रही थी तर्क करके भी जान नहीं सकते थे ऐसी किसी जगह पर गता मतलब चली गई विचित्र अभी मतलब ढूंढ कर भी न अलभ्यत वो बिल्कुल मिली नहीं हरिस्वामी अभी जो उसके पिता है हरिस्वामी ससंभ्रम मतलब संभ्रम युक्त ज्ञानिनम अब्रवीत वो जो ज्ञानी था उसको उसने उन्होंने बताया इदानिम ब्रूही अब तुम बताओ आस्ते सा मेरी वो बेटी कहाँ है ये अब तुम बताओ क्योंकि तुम ज्ञानी हो तुम अतीत अनागत ऐसे सब चीजों के बारे में जानते हो तो बताओ मेरी बेटी कहाँ है तद आकरण्य अवादित ज्ञानी यह सुनकर ज्ञानी ने कहा धूम नाम धूम शिख नाम का राक्षस है ताम रत्वा उसको हरण कर विंध्याटवी नयति स्म विंध्याटवी नामक अरण्य में लेकर जा रहा है नयति स्म लेकर अभी वो शायद पहुंच ही गया होगा नयति स्म यहाँ पे स्म जो है वो भूतकाल वाचक अव्यय है मतलब पहुंच गया था विंध्याटवी में लेकर गया है ऐसा हम इसका अर्थ कर सकते हैं कुआ मतलब कुत्र कहा अतर्कित तो तर्क नहीं लगा सकते हैं ऐसी जगह पर विचित्र ढूंढ कर अलभ्यत मिला अब्रवीत बोला इदानिम अब मत दुहिता मेरी बेटी अवादित कहा बोला रत्वा हरण कर यस yes, एंड and... नमस्ते चित्रम एतत

मै मै मयोर् फ्रोम फ्रोम मैरो तत्क्य अकर्ण्य अकर्ण्य अर्ण्यौर्ण्य अत अकर्ण्य अवादित ज्ञानी धूमशिखो धूमशिख नाम राक्षस राक्षस

ब्रवीत ब्रू धातु आ, युस, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन एक वचन अलभ्यत अलभ्यत लभ धातु लंग लन लं लकार प्रथम पुरुष एक वचनम कर्म आत्मनेपदी कर्मणी कर्मणि अगर सामान्य होता तो अलभत हो जाता था यहाँ पे अलभ्यत यकार है तो वो लंग लका लंग लकार लकार है कर्मणी स्वामी इसमें प्रातिपदिक क्या है आ, स्वामीन स्वामी हरिस्वामिन उसकी नरिस्वामीन की प्रथमा एक वचन उत्तम अस्तु धन्यवाद दुहिता दुहिता दुहितृकारा प्रथमा विभक्ति विभक्तिन उतम दुहितृति स्त्रीलिंग प्रथमा एक उत्तम नयती नयति नयती नयती नी धा

धन्यवादः धन्यवादः चित्रं एतत् तत्कालम एव क्व अपि अतार्किकं गतः विचित्य अपि ज्ञानिनं अब्रवीत इदानिम् ब्रूहि ब्रू धातु हो लोट्लकार मध्यम पुरुषे एक एकवचनं क्व आस्ते दुहिता दुहितृ स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचनम् अवादीत् वदधातो लुङ्लकार प्रथमपुरुषे एकवचनम् उत्तमम् अग्रे गच्छामः ज्ञानिनम् एवम् उक्ते भीतः हरिस्वामी समवदत् हाधिक् कथं सा प्राप्येत कथं च तस्याः विवाहः श्रुत्वा एतत् विज्ञानी तं समाश्वास्य रथं सर्व उपकरणयुतं निर्माय तत्र हरिस्वामिनं तौ शूरज्ञानिनौ च आरोप्य ज्ञानिना समाख्यातां तद् राक्षसवसतिं विन्ध्याटवीम् अनयत् देखिए क्यानिनम् ज्ञानीना एवं उक्ते ज्ञानी ज्ञानी क्या हो रहा है ज्ञानीना एवं उक्ते भीतः हरिस्वामी अच्छा ज्ञानी ने ऐसे बताया तब घबराया हुआ जो हरिस्वामी था उसने कहा समवदत क्या कहा हा धिक धिक्कार हो अभी कैसे होगा इसलिए वो धिक्कार कर रहा है खुद का कथम सा प्राप्यत तो अभी वो कैसे प्राप्त होगी कैसे मिलेगी कथम विवाह हो और फिर मैं उसका विवाह कैसे करूंगा श्रुतवा कर, मतलब जो विशेष ज्ञानी था तम आ समाश्वास्य अपने वो हरिस्वामी तम मतलब हरिस्वामी को सम आश्वास्य मतलब आश्वासित कर, कर रथम निर्मा रथ निर्माण किया उसने लेकिन रथ कैसे निर्माण किया सर्व उपकरण रथ को सब उपकरण जो भी लगने वाले थे उनसे युक्त ऐसा रथ का निर्माण कर कर त्र वहां पर मतलब उस रथ पर हरिस्वामीनम तू शूर ज्ञानिन आरोप्य उस रथ पर हरिस्वामी को और उन दोनों शूर और ज्ञानी को चढ़ाकर ज्ञानीना समाख्या मतलब ने जो बताया हुआ था ऐसे तद राक्षस वसतिम उस राक्षस की निवास स्थान पर कहा था उसका निवास स्थान विंध्याटवी में अनयत उधर वो लेके गया वह मतलब कौन जिसने रथ बनाया था उस विज्ञानी ने हरिस्वामी को मतलब सोम प्रभा के पिता को और जो और दो वर आए हुए थे शूर और ज्ञानी उन दोनों को भी रथ पे बिठाकर ज्ञानी ने जो मार्ग बताया हुआ था विंध्याटवी का उस मार्ग से उस राक्षस के निवास स्थान पर मतलब विंध्याटवी में उनको लेकर गया कथम से प्राप्य मिलेगी, समाश्वास्य आश्वासित कर करके सभी उपकरणों से युक्त तऊ वे दोनों आरोप्य चढ़ाकर समाख्यातम पहले कहे गए वसतिम निवास स्थानम अनयत

सर्व उपकरण युतम नहीं वो एक ही शब्द है और वो उपकरण युतम निर्माया जो तद् राक्षस राक्षस वसतीम विद्यातव्यम् अनायत ओके okay. अभी अ, उक्ते उक्ता अ, वच को त तो लगाया है और तो उसकी लगा है सप्तमी विभक्ति पुलिंगे सप्तमी एक वचन समवदत सम अधिक वद वद उसका आ, लंग लगा ओके प्रथम पुरुष एक प्राप, प्राप्य तो प्राप्य तो, तो विधि लिंग लकार तो प्रथम पुरुष एक

उसको लेप लगाया है निर्माय ये मैम धातु नहीं पता उपसर्गपुर। निर उपसर्ग निर उपसर्ग पूर्वक धात। धात। मा धातु मा धातु निर अधिक मा अधिक लेप ल्याप। लेप जी हरि स्वामिनम हरि स्वामिन का द्वितीय ओके आरोप्य रोप धातु आ, आ प्लस रूह धातु है रूह ओके रूह का आरोप्य आरोह्य ऐसे दो अलग अलग ये बन जाते हैं लब और ये आरोप्य जो है वो निजंत लप है अच्छा मतलब आरोह्य है ये नॉर्मल है और आरोप्य ये निजंत जी और नयत तो सामान्य है लंग लकार अस्तु अग्रेगछा अच्छा धन्यवाद ज्ञानीना एवं उक्ते प्राप्येत प्रयोपसर्गपूर्वक आपधातोः कर्मणि लट्लका लि विधिलिङ्ग्लकार भवेत् तत्र लट्लकार नास्ति कथं च श्रुत्वा एतत् विज्ञानी क्षमाश्वास्य सम् आश्वस धातोः ल्यबन्तव्यम् श्रुत्वा एतत् विज्ञानी सर्वोपकरणयुतम् सर्वाणी उपकरण सर्वोपकरण सर्वोपकरण युत सर्वोपकरण युत सर्वोपकरण युत योग निर्माय संधि है आरोप्य आ योग रूह निजंत लबंतव्य समाख्यातम सम योग आ योग चक्ष धातु का ंगी द्वितीय एक वचन ये जो चक्ष है वो चक्ष भी होता है कभी कभी और उसको क्या ऐसे आदेश भी होता है आगे देखते हैं हरिस्वामिना पुरस्कृत शूर तेन ज्ञान ज्ञात निर्गतेन रक्षसा युद्धम अकरोत चित्राहा चि चित्रास्त्रयो योधिनोः चित्रास्त्रयोधिनोः तयोः नरराक्षसोः रामरावणयोः इव आश्चर्यकरः सङ्गरः समजनि सङ्ग्रामदुर्मदस्य अपि तद्राक्षसः अर्धचन्द्रेण बाणेन सः शूरः क्षणेन शिरः अच्छिदत तत्र मतलब अभी वो वहां पहुंच गए हैं विंध्याटवी में कौन कौन पहुंचे है हरिस्वामी और ये तीन वर एक रथ के साथ वहां पहुंच गए हैं जब वहां पहुंचे वहां तत्च हरिस्वामी ना पुरस्कृत शूर उधर जाकर हरिस्वामी ने आगे किया होगा मतलब जिसको आगे बोल दिया आप अभी आगे जाओ ऐसा जिसको बोला था ऐसा शूर जो शूर था तेन उसने रक्षसा युद्धम अकरोत उसने राक्षस के साथ युद्ध किया लेकिन ये राक्षस कैसा था ज्ञात वृत्तांत निर्गत न क्षमता ये तो तेन शूर जो था उसने शूर तेन रक्षसा युद्धम अकरोत वो शूर जो है उसने उस राक्षस के साथ युद्ध किया और कैसा था वो राक्षस ज्ञात मतलब जिसने ये वृत्तांत जो घटना घटी है वो सब उसने जाना था और वो वहां से आगे इधर छुप गया था चला गया था ऐसे राक्षस के राक्षस के साथ शूर ने युद्ध किया शूर युद्धम अकोत किसके साथ ज्ञात वृत्ता रक्षसा रक्षस ऐसा प्रातिपदिक है उसकी है रक्षसा राक्षस पूर्ण सकार मतलब राक्षस ऐसा भी एक प्रातिपदिक है और रक्षस ऐसा भी एक प्रातिपदिक है रक्षस की तृतीया रक्षसा होती है चित्रास्त्र चित्रास्त्रो हो क्षमता चित्रास्त्र योधि हो चित्र मतलब अद्भुत अस्त्र मतलब जो वेपन्स थे अस्त्र मतलब शस्त्र एक प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो होते हैं उस उससे योधि न हो उससे युद्ध करने वाले तयो हो उन दोनों के कौन दो शूर और राक्षस नर राक्षसो हो वो जो मानव जो शूर था और राक्षसो हो मतलब जो राक्षस था उन दोनों का राम रावण हो इव राम और रावण के जैसे आश्चर्य करह मतलब आश्चर्य करने लायक ऐसा संग्रह मतलब युद्ध समझनी शुरू हुआ मतलब क्या अर्थ है शूर और राक्षस में युद्ध शुरू हुआ लेकिन वो जो युद्ध था उसमें उन्होंने अद्भुत प्रकार के अस्त्रों का उपयोग किया इसलिए उनका जो युद्ध था नर राक्षसों का मतलब ये एक नर है और एक राक्षस है उन दोनों में से जो युद्ध उन दोनों में जो युद्ध चल रहा था तो वो राम और रावण के युद्ध जैसे आश्चर्यकर था ऐसे वहां बोला है संग्राम दुर्मदस्य अक्षस अभी जो राक्षस है वो कैसा था संग्राम दुर्मद था मतलब क्या है जिसको युद्ध का मद, म, म, मद था मतलब मैं युद्ध कर सकता हूँ ऐसे उसे गर्व था ऐसे संग्राम का दुर्मद जिसको था ऐसे तद राक्षस उस राक्षस का शूर चिरा अचिदत शूर ने उसका शिर शिर मतलब मस्तक तोड़ दिया किसका तोड़ा है राक्षस रक्षस का शूर ने मस्तक काट दिया क्षण मतलब एक क्षण में और कैसे अर्धचंद्रेन चंद्रेन बाणे न अर्धचंद्राकृति जो बाण था उसके पास उस बाण से एक क्षण में शूर ने राक्षस का मस्तक काट लिया और वो राक्षस कैसा था संग्राम दुर्मदस्य अपि उसको मैं खुद युद्ध कर सकता हूँ ऐसा जिसे मद था ऐसे मद वाला होकर भी उस राक्षस को का सर उसने काट दिया किसने काटा है शूर ने काटा है पुरस्कृत आगे किया हुआ रक्षसा राक्षस से चित्रास्त्र मतलब विविध अस्त्र योधिनो हो युद्ध करने वाले ये ष्ठी द्विवचन है योधिनो हो संग्रह युद्ध समझनी शुरू हुआ उत्पन्न हुआ दुर्मदस्य मतलब मदोन्मत क्षण न तभी उसी क्षण अच्छिद छिन्न कर दिया तोड़ दिया काट दिया सुबह श्री तरीस्वामीना पुरस्कृत है शूर है तेन ज्ञान वृत्तांत निर्गतेन रक्षसा ೃತ್ತ ನಿರ್ಗತ ರಕ್ಷಸ ಯುಧ್ಧ ಅಕರೋತ್ ಚಿತ್ರಸ್ತ್ರೋಧಿ ಯೋಧಿನೋ ತರ ರಕ್ಷಸೋ

அதுச்சந்தேன் சூர கணேனத் திருத்த வச்சன

द्विवचन षष्ठी द्विवचन रक्षसो हो नरक नरक रक्षसः द्वयो मिल् मिल्कर् रक्षसोः हो आगच्छति न अस्तु अत्र समासः अस्ति तथैव रामरावणयोः हो, इत्यत्र अपि अस्ति अस्तु द्वयोः ओके अस्तु रावणयोः इत्यत्र द्विवचनं यतो हि रामः च रावणः च इति उक्त्वा द्वयं भवति खलु आम् आम् तरी तत्र द्विवचनम आगछति षष्ठी द्विवचनम अस्ति तत्र राम रावणयो हो अस्तु आश्चर्यकरः समजनी इति किम अस्ति सम उपसर्ग जन धातुः सप्तमी न न न लंग लंग लकार लंग लकार जन धातुः का अस्तु अच्छिदत् अच्छिदत् सिद्ध धातु को लंग लकार उत्तम उत्तम अस्तु वैनी धन्यवाद अबैनी पुरस पुरस्कृतह क्या व्याकरण अस्ति वैनी पुरस इति उपसर्गः इव अस्ति क्रोधात् तो होक्तान्त अस्ति अस्तु वैनी अस्तु पुरस्कृत मतलब जो आगे किया गया था ऐसे अस्तु वैनी धन्यवाद शूरह तेन निर्गतेन निर् उपसर्गपूर्वकगमधातोः अस्ति तस्य नपुंसकलिङ्गे तृतीया एकवचनं तत्र निर्गतेन इत्यत्र रक्षस् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति इति कृत्वा अत्र नपुंसकलिङ्गम् अस्तु रक्षसा रक्षस् नपुंसकलिङ्गे तृतीया एकवचनम् चित्र अस्त्रयोधिनोः तयोः नर राक्षसो हो राम रावण हो इव आश्चर्य कर हो समझनी सम जनधातो हो लुंग लकार प्रथम पुरुषे एक तद रक्षस हो अर्ध चंद्रेण अच्छिदत छिद हो लुंग हा लुङ्लकारः अस्ति यतोहि यदि लङ्लकारः सामान्यमस्ति तर्हि छिनत् इति भवति खलु लुङ्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं तत्र रूपं भिन्नं भवति अस्तु तर्हि एतावत् पर्यन्तं कस्यापि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु अन्यथा अहम् अग्रे गच्छामि इतोपि पञ्चनिमेषाः सन्ति इतोपि एक

मन मनसी मनासी इव हम उपगना मैम वो चित्र का अर्थ क्या बताया आपने अद्भुत जैसे हम बोली भाषा में कभी कभी हिंदी में कहते हैं ना ये सब विचित्र हो रहा है मतलब तो अद्भुत हो रहा है जो हम देख नहीं पाते हैं समझ नहीं पाते हैं ऐसा चित्र का अर्थ अच्छा यहाँ तो चित्रम एतत तत्कालम ओके और मैम ये जो है क्व अपि अतर्कित गता तो ये अतर्कित में तर्क धातु तर्क धातु का तांत है न तर्कित अतर्कित मतलब जिसका तर्क ही नहीं कर सकते हैं ऐसी जगह पे वो चली गई दिख ही नहीं रही थी कहाँ पे ओके 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 गीतिंदर जी प्रश्न पूछिए नमो नमो मैडम मैम मुझे दो क्लैरिफिकेशन पूछने हैं एक तो निजंत हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं बिकॉज लॉट ऑफ प्लेसेस आप बोलते हैं कि वो आ आ गया है मतलब आ का जो मात्रा है तो उसके बाद में वो निजंत बट वॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ निजंत दैट वॉज वन थिंग एंड कर्मणि प्रयोग हम कहाँ करते हैं मतलब इज इट वेन वी हैव दैट तृतीया वाला

अभी आप okay. देखिए एक सामान्य उदाहरण आपको देती हूँ बालक कथाम हुआ है वो कर्तु के हिसाब से उसमें परिवर्तन होता है राइट तो वो कर्तृवाच्य वाक्य हुआ ओके okay. लेकिन जब भी यही बालक कथाम पठ्यती ये जो वाक्य है जी, वही वाक्य है, अगर मैं बालकिन कथा पठ्यते हाँ, ऐसा मैं कहती हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ पठ्यते किम पठ्यते कथा पठ्यते का पठ्यते कथा पठ्यते मतलब ये कर्म को ते उक्त उक्त कर रहा है मतलब ओके उस, अभी तो अगर हाँ, यहीं पे मैं बहुत सारी कथाएं पढ़ रहा है ऐसा अगर बोलती हूँ तो सामान्य वाक्य क्या हुआ बालक हा, कथा हा, पठती राइट right? राइट right, कथा right. द्वितीया बहुवचन है जी हम्म अभी इसी का मैं अगर कर्मणी कर्मवाच्य करूंगी तो बालक न कथा हा, अभी मैंने प्रथमा बहुवचन यूज किया है जी कथा पठ्यंते पठ्यंते ओके कहा पठनते हैं तो ये कर्मवाच्य हुआ ओके ओके फॉलो अभी follow. ये कहा यूज करना है ये आपका hmm. एक थोड़ा सा हिडन क्वेश्चन था वहां पे Aha. कि ये कहा कैसे यूज होता है जी, देखिए एक तो यहाँ विवक्षा होती है मतलब जो लेखक है उसके मन में क्या है विचार वो वो प्रकट Aha. करता है तो okay. उसके मन में अगर वो कर्तृवाच्य लिखना चाहता है तो वो कर्तृवाच्य लिखता है अगर नहीं तो वो कर्मवाच्य लिखता है लेकिन कभी कभी जब उसको कर्म बताना ज्यादा जरूरी है न कि कर्ता बताना जरूरी है वहां वहां वो कर्मणी कर्मवाच्य प्रयोग करता है ओके okay? अभी देखिए यहाँ पे कुछ तो था जहाँ पे मैंने नोटिस किया था कि ये बताना चाहिए कभी तो एक मिनट तेन रक्ष न कहा गया तेन रक्षसेना लास्ट स्लाइड एवं बा हाँ। अत्र अतू कथम सा प्राप्य अभी यहाँ पे कर्ता कौन है कर्ता अस्मा भी कथम सा प्राप्ति हमें वो कैसे मिलेगी यहाँ पे हमें यह जरूरी नहीं है वो जो मिलने वाली है कर्म जो है वो महत्वपूर्ण है इसलिए यह कर्मणी प्रयोग किया गया है ऐसे हम कह सकते हैं लेकिन विवक्षा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ओके 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 आई एम नाउ फॉलोइंग मैम थैंक यू अभी जो दूसरा आपका प्रश्न है निजंत के बारे में अभी देखिए बालक चल रहा है ओके okay? सामान्य वाक्य है बालक चलती राइट अभी उसी को मैं अगर कहती हूँ माँ बालक को चला रही है माँ बालक को खिला रही है ये जो है ऐसे स्वरूप में निजंत होता है समझ में आ रहा है yes, yes, I'm yes. hmm. तो वो निजन्त जो है वहां पे निच ऐसा एक प्रत्यय आता है इसलिए उसे निजंत कहा जाता है सामान्य वाक्य में उसको प्रयोजक कहते हैं ओके फाइन फाइन फॉलोड ना प्रयोजक वी है have...

पुत्रयश्च इति चतुर्थी तत्र दृश्यते तत्र कन्यादाने निश्चयम् भार्याम् पुत्रं च इति इति वक्तुं शक्य देखें कथो इति धातु हस्तिखनु कथ धातुः कृते कस्मै कथयति तस्य कृते चतुर्थी युज्यते सर्वदा हां प्रायः सर्वदा किंतु वयम् अहम् रामं कथयामि इति एव वक्त न कथा माय कथयामि इति एव वक्तव्यम एव वास्तु वदामि इति उच्छते चेत् रामम वदामि इति पर्याप्तम् परंतु यदि कथा इति धातुः प्रयोगः भवति तत्र चतुर्थी हि युज्यते अ अ अस्तु मम चिंता अत्र आसी अत्र कर्म आस्ति

हाँ ती तत्म कार्यम कौ पाराए पुत्र तरी निश्चय कर्म भव पर त्र चुर्थी तहि अकयत प्राय दीक दृष्टि वादी कथित धातु दिवर्मक अस्था नृष्टि वादी किंचित त्र भ्रम अस्त मनसी तरी दृष्टि वादे

द्वंद्व समास है मैं समास के बारे में नहीं बोलूंगी ऐसा कहा था लेकिन यहाँ बोलना अनिवार्य है राम और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं अभी यहाँ मुझे राम और लक्ष्मण ऐसा न कह के राम लक्ष्मण वनम गच्छत हो ऐसा मैं बोल सकती हूँ तो यहाँ पे राम लक्ष्मण इसमें से जो दूसरा पद है उसकी उस कि उसका लिंग और विभक्ति ली जाएगी दो है इसलिए द्विवचन अगर मैंने कहा कि बालक हा, हा, गच्छति अगर ऐसा कहना है तो बालक बालिका ऐसे बहुवचन में आ जाएगा जब दो ही है तो द्विवचन में आ जाएगा okay, ओके ओके थैंक यू शंकरी जी नमस्ते నమస్తే జననీ తృతీయ ఏక సుత యాచిత తామే ప్రసిద్ధా ప్రసిద్ధా ప్రతిజ్ఞాశ్రవ్య ప్రతి ఉద్దిష్ట ఉద్దిష్ట అహమ్మస్ ప్రసిద్ధా ప్రతిజ్ఞా

प्रतिज्ञा उद्दिष्टेषु अहम अस्मी ज्ञानी प्रति प्रतिज्ञा उद्दिष्टेषु इत्युक्ते ज्ञानी विज्ञानी शूर शूरेषु अहम शूरे शू। ज्ञानी इति वा प्रतिज्ञा में जो बोला गया था प्रतिज्ञा में क्या बोला था बेटी ने उनके सोमप्रभा ने क्या बोला था एक तो मैं ज्ञानी से शादी करूंगी या शूर से या फिर विज्ञानी से तो ये जो प्रतिज्ञा में स्पष्ट किया गया था प्रतिज्ञा उद्दिष्ट मतलब प्रतिज्ञा में स्पष्ट किया गया था ऐसा धन्यवाद धन्यवाद वाणी जी विज्ञानी विज्ञानी और बहुत सारे इंटेलिजेंट विज्ञानी सम स्पेशल नॉलेज ही है सिद्धि Uh, that is that means he has some special uh, i mean he is uh, better than Gnani. Uh not actually Gnani is somewhere different and with Gnani is somewhere different he should be knowledgeable or have some particular you know vidyas uh, vidyas uh, okay my second question is ramalakshmana you said that uh, vidyas वन वन बॉय एंड वन गर्ल आर देयर बालकह बालिका हाउ टू से दैट टू पीपल तो अगर मैं बालक और बालिका इसमें ही कहना चाहूंगी तो बालिका ये शब्द मेरा अगर दूसरा पद है तो बालक बालिका ऐसा होगा लेकिन बालिका को मैंने अगर पहला पद रखा और बालक को दूसरा रखा तो बालिका बालक बालिका, बालिका बालक ऐसा हो जाएगा थैंक यू और द्वंद्व समाज के कोई रूल है कि अगर स्त्रीलिंगी पद है तो उसे पहले रखना चाहिए ऐसे कुछ है उसके नियम उस हिसाब से समाज होता है अरुण कुमार जी हाँ जी अध्याय 8 ऋतबस लोके तदीयम अतीतानाम एवं किंचित आगच्छति तद से अवगमन अवगमन किंचित सम्यक ना तदीय तदीयम तदीयम नाम तस्य तक्य विषय इतनी वादी अत्र अस्तु तेन तदीय अती अनागता नाम। अतीत मतलब जो बीत गए हैं अन आगत मतलब जो आए नहीं है मतलब जो अभी घटनाएं घटी नहीं है उसका तदीय मतलब उस जो अ, ज्ञानी था क्या था वो विज्ञानी था क्या था अनागत वस्तु हाँ विज्ञानी था वो तो नहीं अहम अस्मी ज्ञानी ज्ञानी बोल रहा है ना वो तो so वो जो ज्ञानी है वो किस बारे में ज्ञान रखता है तो ऐसी चीजों के बारे में ज्ञान रखता है जो अतीत और अनागत है अनागत मतलब अभी आई नहीं है आगे आने वाली है और अतीत मतलब जो बीत गई है

He is scared of that. Uh, no, where where it is written scared of that? No, he you knows. said Atita no. Atita means what has happened. Okay, okay. You only scared of what has happened. He knew was... what has happened and he knew what is going to happen. Happened. Okay. Uh. Okay. Uh, uh. Then he was at home. Yes, अपनी ज्ञानी तैना उक्ता उक्ता किस विषय में जननी उक्ता सा जननी उक्ता तैना तृतीयांतम जननी प्रथमांतम उक्ता जननी इत्यस्य विशेषण सुन आवागतम करो और मैंने जो प्रतिज्ञा उद्देश्य को अहम तो ये प्रतिज्ञा उद्देश्य को ये ये क्या समाज है क्योंकि प्रतिज्ञा समाज है समाज है प्रतिद्ययायाम उद्दिष्ट हो प्रतिद्यायी प्रतिद्याय उद्दिष्ट तृतीय भी हो सकता है और सप्तमी भी हो सकता है अच्छा है ये विवेचक मित्तिक ते कौर विवेचक मित्तिक विशेष विशेष जिसका वो विवरण कर सकता है उसे विवेचक कहते हैं हाँ ये सुपग्ना तो ज्ञान का ही विशेषण है ना विवेचक जी जी तत्र वच वच धातु अस्ति किं विवेचक विवेचक दृष्ट्वा वद विवेचक इत्यत्र विपत्ति किमस्ति दृष्टवा मैं सोच रही थी अतीतानाम अनागतानाम च क्यों तो नहीं है क्यों समास क्यों नहीं हाँ नहीं है लेकिन अतीतानाम अनागतानाम वस्तुनाम मतलब होने वाले और और उसको बोलना नहीं है जो लेखक है उनको लिखना नहीं है विवक्षा है वहां पे ना ऐसा कुछ रूल नहीं है कि लिखना ही चाहिए ओके अस्तु प्रार्थना कुर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् तो, शान्ति शान्ति शान्तिः ਧੰਨਵਾਦ ਆ